अभी को ब्रेकफास्ट करवा के ऑफिस भेज दिया है। अभी ऑफिस से होकर वो डायरेक्ट सिटी जाएंगे, गांव वापस नहीं आएंगे। आएंगे सैटरडे को आएंगे फिर से। तो अभी मैं इस रूम का मतलब थोड़ा थमाने की, अच्छे से इसको मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। मेंटेनेंस तो बाद में होगा, पहले इसको अच्छे से रख दूँगी, फिर अच्छे से रहे पूरी साल तक वो कोशिश करूँगी। हालांकि मुझे ज़रूरत है एक हेल्पर की, तो अभी मैंने पापा को बोल दिया है कि एक मतलब हेल्पर ढूंढने के लिए ना, मिलेगा कि नहीं पता नहीं, यहाँ पे ऐसे काम करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं जो घर घर आके झाड़ू पोछा करके दे जाए, कपड़े वपड़े धो ले, कम ही मिलता है यहाँ गांव में। तो वही, तो पहले तो ये मैंने सारा यहाँ पे सेट कर लिया है, कपड़े वपड़े, और ये बिस्तर का चद्दर चेंज कर दूँगी, इस बिस्तर को सोने लायक बनाऊँगी, क्योंकि दुर्गा पूजा भी आ रहे हैं तो गेस्ट भी आएंगे ज़रूर से। तो इस रूम की पहले हुलिया ठीक कर लेती हूँ, कपड़े भी भिगो दिए हैं ढेर सारे, और भी कपड़े भिगोने हैं, आज कपड़े धुलूँगी और ये काम करूँगी, झाड़ू पोछा करूँगी। और फिर ये रूम हो जाने के बाद कल पापा की रूम पकड़ूंगी, और क्योंकि आज मेरा फर्स्टिंग भी है, इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी, पता है अभी दोपहर तक ख़त्म कर लूँगी सारा काम, है ना। और उसके बाद थोड़ा मतलब रेस्ट करूँगी, पूजा पाठ तो सुबह ही ख़त्म कर लूँगी। अभी ये काम हो जाने के बाद झाड़ू पोछा लगाऊंगी, ये रूम का काम हो जाने के बाद, मतलब इस रूम का काम हो जाने के बाद झाड़ू पोछा करूँगी। खाना बना लिया है, लंच मैंने बना लिए हैं, और ब्रेकफास्ट पापा के भी हो चुके हैं। पापा का ब्रेकफास्ट क्या है, चाय बिस्किट, वो ही होता है, मेरा तो नहीं हुआ, फास्टिंग है ना, तो वही है सारा काम काज, है ना। ये रख दिया मैंने क्योंकि बार बार पूजा के टाइम में खरीदना ऐसा पैसा की बर्बादी है, तो एक ही बार खरीदते तो रख देते हैं, फिर इसको धोलते हैं अच्छे से, फिर गंगा जल से फिर से शुद्धिकरण करते हैं, फिर इसको पूजा में यूज़ कर लेते हैं। तो पूजा में जो मेन घट स्थापना होते हैं वो तो हर हर साल खरीदना ही पड़ते हैं नवरात्रि में, है ना। लेकिन एक्स्ट्रा जो घट वगैरह लगते हैं, जैसे कि वो द्वार पे रखना, मुख्य द्वार पे रखना, वो सारे नहीं खरीदती, एक बार खरीदती हूँ वही रख देती हूँ। तो जो मेन कलश है, जो मेन जो घट स्थापना होते हैं नवरात्रि के लिए, वो तो विसर्जन मतलब करना पड़ता है ना, तो वही रखते हैं। कोई कोई लोग ऐसे ढोल के, लेकिन मैं फ्रेश फ्रेश खरीद के, नया नया खरीद के ही घट स्थापना करती हूँ, है ना। फिर वो जब पूजा ख़त्म हो जाते हैं पीपल या बद वृक्ष के नीचे रख देती हूँ। तो सिटी में तो वो चीज़ें नहीं है ना, पीपल बद वृक्ष में कहाँ ढूँढूँ, तो ऐसे ही फ्लावर के नीचे रख देती हूँ, फ्लावर के पेड़ के नीचे रख देती हूँ। कल घर में एक मेंढक यहाँ पे चिपका हुआ था, वो चिपकूले मेंढक है ना, वो मेंढक, फिर मैं सोने जा रही थी, फिर हबी आके बोले ए यहाँ पे मेंढक है। वो मेंढक को खाने के लिए ही सांप घर में घुस आते हैं, वो मेंढक ना यहाँ सांप ने अटक किया होगा, फिर फटक से यहाँ पे जंपिंग करके आ गया होगा और यहाँ चिपका हुआ। जब वो चिपका हुआ ना, मैं रूम पे आके ही पहले विंडो क्लोज किया, क्योंकि घर को ठंडा रखने के लिए नेचुरल हवा घर के अंदर आए, इस वजह से मैं लाइट ऑफ करके ना सोने से पहले तक मैं यही विंडो खुला रखती हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने विंडो क्लोज़ किया होगा तब मेरा नज़र नहीं गया होगा यहाँ पे ना, तो मैंने वो समय थी क्लोज़ कर दिया, फिर वहाँ ही चिपका रहा। फिर अभी आके देखे बाहर का लाइट ऑन था ना, तो ये तो ग्लास है, तो थोड़ा सा ऐसा छाया जैसा दिखाई दिया होगा उसको, शेडो जैसा। फिर कहा ये क्या है, मैंने तो पहले सोचा ये वो है, जब अभी दिखा रहे थे बोल रहे थे कि इसके वजह से तो घर में सांप घुस आते हैं बोल के लाइट जस्ट ऑन किया, फिर मैंने देखा क्या है क्या है, मैंने सोचा बटरफ्लाई है, और मुझे वीडियो भी बनाने थे। हालांकि मुझे डर नहीं लगता ऐसे वाले चिपकेले मंडक से, लेकिन मैंने अभी को कहा मैं नहीं खोल सकती क्योंकि मुझे वीडियो बनाने हैं ना, आप खोल के बाहर कर दो, मुझे इस चीज़ से डर लगता है। फिर अभी ने खोला, फिर बाहर किया विंडो, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने थे ना, मैं ही खोलूँ मैं ही वीडियो बनाऊँ वो चीज़ नहीं हो पाता। अभी मुझे बोलते फेंको फेंको फेंको, वीडियो बनाने की क्या जरूरत है, ऐसा बोलते बोल के मैंने बहाना बना दिया कि मेरे को डर लगता है, आप खोलिए, तो वो खोल रहे थे, मैंने वीडियो बना लिया बस फटाक से। उसके बाद मैं सो गई, फिर अभी कब सोए पता नहीं, वो लैपटॉप पे लगा हुआ था। बाहर कितना हल्की हल्की हवा, अच्छा लग रहा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कपड़े धो लूँगी आज। देखो मेरे को क्या मिला, छिपकले के अंडे, छिपकले के अंडे यहाँ रख देती हूँ, कहाँ बाहर रखूँगी, है ना, इसमें से छिपकले निकलेंगे, क्यूट सा छिपकले। और क्या बोलते हैं, फटा हुआ भी बहुत सारा मिला जो कि निकल चुका है, और ये मिला ये बाहर रख दूँगी, ख़राब नहीं करूँगी, तो किसी की मतलब माँ है ना, माँ माँ को दुख मिलेगा इसको ख़राब कर लो तो, है ना। ओह अच्छा ठीक है, मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ, अभी सेटिंग कर लेने हैं उस रूम का अच्छे से, और उसके बाद झाड़ू पोछा, उसके बाद पूजा पाठ, उसके बाद रेस्ट करूँगी, रेस्ट कर करके वीडियो एडिट करूँगी। अब लगता है वेदर रिपोर्ट देख देख के कपड़े धोने होंगे, ये काम बहुत पहले से ही करना
चाहिए था, इतना बाल्टी, एक बाल्टी पूरा बेडशीट्स वगैरह ढोल डाले, अभी बारिश आए। देखिए यहाँ का छोटा मोटा कपड़ा धुला हुआ है और भी भिगोए हुए हैं। सोचा था आज कपड़े धो लूँगी और इस घर का तो ये तो दिखा ही चुकी हूँ ऐसा है। इसमें पहले से एक मैट्रेस है, छोटा सा मैट्रेस है। ये क्या होते हैं ना, वो जब बहुत ज़्यादा लोग जमा हो जाते हैं घर में तो फ्लोर में बिछा के सोने के लिए ना, छोटा सा था तो पहले ये बड़ा वाला दूसरे बेड पे था, तो दूसरा बेड ऐसे खोल के ले आए तो उस वाले बेड का यहाँ पे रख दिया। इस वाले बेड का जो मैट्रेस है वो वहाँ है, सिटी वाले घर में पापा के वहाँ तीन तीन मैट्रेस दिया हुआ है, तो फिर यहाँ का मैट्रेस वहाँ ऐसे ऐसे एक्सचेंज होते होते ये दूसरे बेड का यहाँ लग गया। इस बेड का मैट्रेस, ये जो बेड है इसका मैट्रेस किसी और जगह, और ये फ्लोर वाले मैट्रेस यहाँ, और ये जो दूसरा बेड है इसका मैट्रेस यहाँ, ऐसा हो गया ना। तो बेडशीट बिछाने हैं, ढोल ढाल तो दिए, अभी सूखने के बाद बिछा दूँगी। और यहाँ पे मस्कीटो नेट ढोले थे ना, यहाँ पे सूखने के लिए रखना पड़ा, और ये तो धुले हुए हैं, ये प्लास्टिक में कवर करके पैक करके फिर रखूँगी किसी एक जगह, ताकि चूहा वूहा आके ना काट ले, वो भी एक है बॉक्स ना, ऐसे कर्टन जो है ना वो हटाना पड़ेगा यहाँ से, चूहा आना स्टार्ट हो चुका है सीलिंग के अंदर, गुदरू कदरा साउंड करते हैं रात को। ये कुछ बॉक्सेस मैंने निकाल के साफ़ कर लिया, वो भी चूहा काट चुका था। ये वाले मुझे, मैं अकेली नहीं करूँगी, कोई मदद करने वाला, मतलब जब अभी आएंगे एक साथ मिलकर करेंगे तब काम आसान हो जाता है। सारे बॉक्स निकाल के बाहर फेंकने हैं, क्योंकि ये ना चूहे का एकदम कारखाना है, ये वाले बॉक्स है ना। कुछ तो मैंने निकाल के फेंक दिया, वो भी चूहा कुतर चुका था। चूहा आएंगे तो स्नेक ज़रूर आएंगे घर के अंदर चूहा खाने के लिए, है ना। तो एक क्लॉथ का जो रैक है एक यहाँ रख दिया, ये भी सिटी से आया था। और देखिए इस बेड, इस वाले बेड को फोल्ड करके रख दिया, ताकि जब ज़्यादा गेस्ट आए तो ये बिछा के सो पाएंगे, है ना। तो यही वाले बेड का मैट्रेस मैंने उस टाइनी रूम का जो बेड है वहाँ पे रख दिया। ये चीज़ें भी हटाने हैं, यह नया घर जब बना था ना तो ये सामान एक्स्ट्रा आ गया था, मतलब खरीद लिया था, तो ये रख दिया है, ताकि चालू लोगों का जब टॉयलेट वगैरह बनाया जाएगा, कुछ इलेक्ट्रिक का काम वायरिंग वगैरह घर में होगा तो तब दे देंगे उन लोगों को, बोल के छोटा चाचा को रख दिया यहाँ पे। लेकिन मुझे ये हटाने का यहाँ से ना बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, क्योंकि चूहा ऐसे ही बॉक्सेस में ना ज़्यादा आते हैं, और ये थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है यहाँ रखना ना। ये टाइनी रूम कितना सजा के रखेंगे तो कितना खूबसूरत सा दिखेगा, ये है ना एकदम कोजी सा, लेकिन ये रख नहीं पा रहे हैं इसकी वजह से। तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते, देखिए यहाँ कुछ पेंट भी पड़ा हुआ है, और ये तो मोरीगांव वाला जो है ना, मोरीगांव की जो है, जब क्या बोल रही हूँ मैं, ये मोरीगांव से आए थे, मोरीगांव में भी हम रहे ना तो वहाँ से ये लाए थे। ये फंक्शन वगैरह में काम में आएगा, घर में जो छोटा मोटा ओकेशन होता है। ये टेबल है प्लास्टिक वाला ना, डाइनिंग, तो ये भी है सामान वही। देखिए सांप का जो है ना, कार्बोलिक एसिड ऐसे खरीद के रखना पड़ रहा है, इतना ज़्यादा सांप का वो है यहाँ पे, है ना। अभी धोखाधड़ी कर लिया, अरे सूरज मामा मेरे साथ। ये मिडल चाचा के बरंडा में सुखाने के लिए, और छोटे चाचा के बरंडा में सुखाने के लिए दे आना पड़ेगा। यहाँ देखिए इस बरंडा में सुखाने देंगे, और वहाँ पे मिडल चाचा के घर के बरंडा में सुखाने के लिए देना पड़ेगा। फिर भी देखते हैं बारिश आएगा कि नहीं, थोड़ा बहुत शावरिंग तो हुआ था। ये बाबाई के ब्लैंकेट है, रजाई, हमला नहीं, हमारा लोकल रजाई ऐसे ही सिलवाते हैं हम लोग। इसमें बोरसुक तुला है, बोरसुक तुला मतलब मुझे भी पता नहीं, वो बहुत ही कॉस्टली कॉटन होता है, उसे सिलाया जाता है ये ऑर्डर करके, है ना। ये बाबाई के है, बाबाई जब सिटी में गए थे तो उनके लिए भी एक रूम में बेड लगाया गया था, तो फिर बाबाई क्या बोलते हैं, हम लोगों का तो वो है ना, देखिए बारिश आ गया, हम लोगों तब वो है ना ख़रीदते हैं जो ब्लैंकेट, वो है पापा उससे आराम फील नहीं करते, तो अपना ही खुद का रजा ले गए थे, तो ये सिटी से ले आई, सिटी तो घर छोड़े हैं हम लोग, सिटी से दूसरी जगह मूव हो रहे हैं, तो इसी वजह से ये ले आए। अभी पापा यहाँ गांव वाले घर में जब आएंगे बाबा, तब ये ओढ़ के सो लेंगे, वैसे विंटर भी आ रहे हैं, तो इसका कवर व्हाइट वाला जाता है कॉटन का, प्योर कॉटन का, तो वो भी धोल दिए थे आज, दो रजाई लाए थे पापा, और वो जो मॉस्किटो नेट थे वो भी उनका ही है, लेकर गए हैं पूरा बेडिंग वगैरह लेकर ही गए थे, मतलब हम लोगों का चीज़ें उनको पसंद नहीं आते और लेकर जाते हैं खुद का अपना। ये यहाँ थोड़ा सनलाइट में दी थी, लेकिन अभी सन बाबा तो चले गए, सन मामा, बाबा नहीं मामा, मैं इसको घर के अंदर ले जाऊँगी। ये भी बाबा के ब्लैंकेट, ये हल्का वाला, ये भारी वाला, दो लेकर गए थे सिटी वाले घर में। बारिश रुक जाओ,
सूरज मामा ने धोखाधड़ी नहीं किया, ये बारिश ने मेरे साथ धोखाधड़ी किया, बोले थे नहीं आएंगे, मतलब मेरे को ही लगा था नहीं आएंगे। वेदर रिपोर्ट देख लेना चाहिए था। ये मेरी मयूर पंख, ये सिटी में मैंने खरीद के रखी थी, ले आऊँगी बोल के लास्ट टाइम मैं भूल आई थी तो ये ले आए, लेकिन मेरी टेडी मैंने लाना भूल गई। और एक घड़ा जो है मेरे सासू मोम के घड़ा, उनकी याद के तौर पे मैंने रखी थी, वो सिटी वाले घर में है, वो भी लाना मैं भूल गई। जाऊँगी पापा को डॉक्टर के पास ले जाना है, तो उस टाइम में जब आएंगे तब लेते हुए आऊँगी। इस वाले टेडी को नहलाने हैं, ये अभी तक नहीं हुआ मेरे से काम, ना ऐसे पेंडिंग छोड़ रही हूँ मैं सारा काम। ये ना मैं ना ऐसे परफ्यूम वगैरह कम ही लगाती हूँ, इसलिए मेरे पास है ही नहीं, कम ही लगाती हूँ, मतलब लगाती ही नहीं हूँ, मतलब यूज़ करती ही नहीं हूँ स्प्रे वगैरह ऐसे ऐसे ना, ना 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 सेंट वगैरह ना। तो ये अभी खरीद के लाए थे, सोचा था कि ये मेल वाला है, लेकिन फीमेल वाला ले आए, फिर मेरे को दे दिए। मैंने कहा रिटर्न कर दीजिए, बोले कि अरे क्या रिटर्न करना है इसको, ले लो बोल के मैंने ले लिया। मैंने कहा भी उनको झूठा मूठा कि ये यूनिसेक्स है, ये मेल भी लगा सकते फीमेल भी लगा सकते, आप लगाओ कुछ नहीं होगा। फिर भी मेरे मतलब मेरी झूठ पकड़ लिया ना, मेरे को मिल गया, खुशी है, डिफरेंट लगा पाऊँगी। ये मैं भाई ला कर दिए थे, जब कहाँ गए थे, बाली गए थे, बाली नहीं कहीं इंडोनेशिया में ही तो बाली है, कहाँ गए थे जब ये ला के दिया था, मैं भूल गई। फिर भी ये इम्पोर्टेड सामान है, ये भी इतना सा है, सबको लगाओ 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 बोल के सब ने लगाए, ऐसे ओकेशन जब होता है या फिर कुछ भी होता है घर में तो मैं बोलती हूँ ये लगाओ लगाओ, तभी जाके इतना ख़त्म हुआ। एक दो साल डेढ़ साल तो हो ही चुका होगा, ये एक्सपायर्ड हो गया क्या पता नहीं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है या फिर लिखा हुआ नहीं मिलता ऐसे परफ्यूम में, पता नहीं, मेरे को इतना ख़रीदने की आदत नहीं। पहले भी मेरे को मम्मी और पापा बाबा एंड आमा ही खरीद के देते थे ऐसे ना चीज़ें, मैं खुद से नहीं खरीदती थी, खरीदूँगी बाद में। तो ये है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी अभी दो डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंस मिल गए, अच्छा ही है। फिर से धूप मामा अगर सूरज मामा निकल आए और बारिश चाचा वरुण चाचा चले गए, और अभी मैं फिर से यहाँ पे ब्लैंकेट का समाहार लगा दिया है। अभी थोड़ी देर बाद फिर भी देखूँगी कि आएगी कि नहीं वरुण चाचा फिर से, यानी कि बारिश, तो थोड़ी देर बाद ही मैं अपने धुले हुए कपड़े सनलाइट में रखूँगी। काम के ऊपर काम बढ़ रहा है, बस मेरे सारे जो धुले हुए कपड़े हैं मैंने छोटे चाची के मिडिल चाची के घर में दे आई हूँ, मतलब आंगन में सुखा आई हूँ। यहाँ पे क्या हुआ था ना, एक अच्छा वाला सा बम्बू रखा हुआ था, लेकिन वो कहाँ खो गया पता नहीं, अभी ये ढूंढ के लाकर यहाँ लगा दिए हैं मैंने। फिर ये ढूंढ के लाए थे, ये एकदम ख़राब हो चुका था और ये टूट के ना सारे कपड़े नीचे आ गए थे। अभी जो वहाँ देकर आई वो धो के फिर से दे आई हूँ वहाँ पे। अभी इसमें थोड़ा नीचे लगा लगा हुआ है, ये मोटर ऑन करके पाइप से ना थोड़ा ऐसे पानी दे दूंगी तो ये चला जाएगा मिट्टी। देखिए मिट्टी हाँ लग गया, अरे यानी कि मिट्टी लग गया, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा, मतलब गुस्सा आ गया था मेरा कि अरे ये इतना मेहनत से धो ली थी फिर से। यहाँ से ढूंढ के ले गई बम्बू और फिर देकर आई, पहले भी ढूंढ के ले गई थी लेकिन वो ख़राब निकला और टूट गया और भारी ना कपड़ा, ढेर सारे कपड़े थे, इधर उधर दे आई अभी सूखने के लिए। ये तो सूखने ही वाला था, कोई ना हवा भी धीरे धीरे चल रहा है सूख जाएगा, टाइम भी बहुत है, अभी बस 12 बजे है, शीडी दो दूंगी अभी। यहाँ भी फिनोल रखा है, देखिए सांप कीट पतंग पॉइजनस कीड़े मकोड़े के भय डर, किसी दिन काट लेगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा, इस वजह से प्रिकॉशन के तौर पर फेनॉल कार्बोलिक एसिड वगैरह रखना पड़ता है। ये डाल वाल वगैरह ब्रांचेस वगैरह भी कट करना होगा, क्योंकि इसका ब्रांचेस देखिए वह विंडो तक जा रहा है, फिर सांप ना यहाँ से ऐसे 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 करके रेंगते हुए घर के अंदर भी जा सकते हैं, ये कल कटिंग करना होगा। शीडिया स्टेयर्स धो दिया मैंने, देखिए
स्नेक रेपेलेंट, कार्बन एसिड, फिनॉल, ऐसी चीज़ें वगैरह, और ऐसे घास फूस मारने के लिए मेडिसिन, वैसा चीज़ें रखना पड़ा है अभी गाँव में। तो घुमाइयो मुझे रही नो पुनो नो कुन डांग नो आबो नो कुन गे मारे सारी मखन चा लुखा ओय चाय बना रही हो। छोटे चाचा अभी तक आए नहीं, अपने खेत देखने गए थे। अभी पापा एंड बड़े चाचा को चाय देकर आती हूँ। बड़े चाचा को चाय दे रहे हैं इसलिए कि उनको बुखार है ना, तो थोड़ा मेरे हाथ का चाय पिलाती हूँ। क्या पता मेरे हाथ की चाय से चाचा जी का बुखार ठीक हो जाए, है ना, तो इसलिए सबके लिए चाय चाय। इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने, झाड़ू पोछा ख़त्म शाम के, और फिर पूजा, उसके बाद जाकर मैं खाऊंगी खाना। अदरक वाले चाय, उनको वो है ना सर्दी बुखार ऐसा ना, वायरल फीवर, इस वजह से ये हर्बल तेल देने से ना, मतलब अदरक, लौंग, और फिर क्या बोलते उसको, ब्लैक पेपर, इसका चाय पीने से वो सर्दी जल्दी जल्दी ठीक होते हैं। चावल चढ़ा दिया है, मतलब पूजा ख़त्म होने के बाद मैं झटपट फटाफट से खा पाऊँ, क्योंकि आज मैं दही चावल खाऊंगी, इसलिए सब्ज़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है। दही लाकर रख दिया है फ्रिज में, चावल बन जाएगा, फिर पूजा होने के बाद खा लूँगी। शाम की पूजा अर्चना खत्म। ये मैंने बना के रखे हैं कल सुबह खाने के लिए फटाफट से। ये है मुई तापी के साथ फर्मेंटेड फिश एंड ढेर सारे ओनियन, मैंने तोड़ लिए थे आज ही, तो ये नहीं बनाती तो ये ख़राब हो जाता। फ्रिज में रखने से भी ये अच्छा वाला टेस्ट चला जाता ना, थोड़ा सूखा सूखा सा, तो ये ऐसे पत्ते सूखा सूखा सा अच्छा नहीं लगता, अजीब सा बदबू निकलने लगता है। कभी कभार ऐसे खा लेती हूँ सूखा हुआ भी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं इसको बना के रखूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, पापा भी ये रात को नहीं खाएंगे। चावल तो हो ही चुका है, ये पापा को बना के दूँगी, मैं भी खाऊँगी, कल खाऊँगी। ये एश गॉड बाबा जो लाए थे ना, इत्तू इत्तू करके छोटे चाची को भी दिए, हम भी खाए, फिर भी इत्तू सा रह गया था, तो इसको कट करके अभी धो धा के रख दिया है, ढक के रखूँगी अभी। ये मैंने नहाने से पहले ही काट के रखी थी, और फिर ना बनाऊंगी थोड़ी देर बाद। और ये मैं जब गार्बेज फेंकने गई थी ना उस साइड में, तो आटे टाइम में ये मिला अपने गार्डन में से, ये जो होता है ना एलिफेंट एयर, जो यम होता है उसका फ्लावर है ये। पापा को गुदक बना दूंगी इसके साथ। और ये कल बासाई बाड़ी बेहला बाड़ी जो गए थे ना हवी, तो वहाँ से स्मेल आए थे। ये देखिए, ये इसको साफ़ करना है, इसको पानी में, कल तक तो ये फ्रिज के अंदर था, फ्रिज के अंदर रखने से ना ये जल्दी जल्दी मरते नहीं है, और फिर बदबू नहीं निकलते इसमें से, है ना। एक अगर सड़ जाएगा ना, बाहर रखने से सड़ जाता है, तो एक अगर सड़ जाएगा ना, तो सारे जो अच्छे हैं उसमें भी वो सड़न का जो स्मेल है ना, बदबू, वो आ जाता है, फिर खा नहीं पाते, मतलब जो खाते वो खाते, मतलब अच्छा नहीं लगता वो खाने में, है ना मेरे को, तो इस वजह से फ्रिज में रखी थी। तो निकाल के ना इसको दो तीन बार वॉश करके पानी में भिगो के रखी थी, तो क्योंकि ये लोग मिट्टी खाते हैं, तो मिट्टी ये लोग वोमिट कर दे है ना, इसलिए, तो इसको और भी रगड़ रगड़ के धोना बाकी है। देखिए इसमें कई सारे मेल हैं, तो इसको अच्छे से रगड़ के दूंगी। कई सारे स्नेल्स होते हैं, वाटर स्नेल्स, लेकिन वाटर कई सारे स्नेल्स में से हर तरीके का स्नेल्स हम लोग नहीं खाते, कुछ ही तरीके का स्नेल्स होते हैं जो लोग हम खाते हैं, तो उसमें से ये एक है। और इसका जो शेल है ना ये बहुत ही हार्ड है, और दूसरा वाला है एकदम पतला सा शेल है, ठीक है, ये बाद में बनाऊँगी, पहले मैं दही चावल खा लेती हूँ, पूजा तो खत्म। अभी चालू आकर पहुँचे हैं, वो टाउन गए थे मेले देखने के लिए, कृष्ण जन्माष्टमी के मेले चल रहे, तो मैंने कहा था मेरे लिए पानी पूरी लेते हैं, पानी पूरी ले आए, और ये पिकल लेते आए, पिकल मुझे पसंद है ना, ये कल सब सारे मिलके खाएंगे। ये
गोसबेरी क्या बोलते हैं उसको, आंवला, आंवला आंवला का अचार है। ये थोड़ी देर बाद खाऊंगी, अभी नहीं खा सकती, पेट एकदम भरा हुआ है, चावल खा लिया ना मैंने। पापा के लिए भी खाना वाना बन चुका है, मैं टायर्ड हो चुकी हूँ, थोड़ी देर बाद पापा को खाना दूंगी, फिर आराम से सो जाऊंगी, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, टेलन बाबा, इनको। सुबह से कुछ इंटरनेट मतलब स्लो स्लो सा चल रहा था एयरटेल का, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शाम मतलब दोपहर से डाटा सर्विस गया, एकदम से गया, फिर भी कॉल कर सकते थे। और उसके बाद क्या हुआ, अभी नो सर्विस, ना कॉल कर सकते ना कुछ कर सकते। एयरटेल का क्या हुआ पता नहीं, सिर्फ यही हो रहा है, मैंने पापा के वहाँ कॉल, पापा के वहाँ कॉल किए, वहाँ भी चल रहा है, भैया के वहाँ भी चल रहा है, और मेरे मौसी के वहाँ भी चल रहा है, सब सब सारी जगह चल रहा है, सिर्फ यहाँ नहीं चल रहा। अभी एक गाना गाती हूँ इस चक्कर में, है ना। आई कैसी रात है ये, एयरटेल सर्विस बंद है, मैं तो दिन से सोच रही थी रात को ठीक हो जाएंगे, पहले तो डाटा सर्विस गुल हो गया था, अब तो पूरा नेटवर्क ही बंद हो चुका। नो सर्विस, नो सर्विस, नो सर्विस, ओ नो सर्विस में फंसे पड़े हैं हम।